मार्च में भागलपुर से एक आई अच्छी अपडेट जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भागलपुर से ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं तो आपको यह सुविधाएं स्टेशन में प्रवेश करने से पहले ही मिल जाएगी। वो क्या रहेगी सुविधाएं, यह हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य करें। स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन रेलवे केआर में, जहां पर हम भागलपुर से जुड़ी हर खबर को लाते हैं। इसी तरह का शानदार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कोई भी न्यूज का नोटिफिकेशन ना छूटे। भागलपुर में रेलवे पैसेंजरों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जानी है। यात्री सुविधाओं को लेकर के यहाँ पर एक काम होना है जो कि आपको मार्च से ही देखने को मिलेगा। टिकट काउंटर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। हम बात कर रहे हैं नई टिकट काउंटर के बारे में। दक्षिण तरफ नए प्रवेश द्वार और चार साधारण टिकट बुकिंग काउंटर को बनाया जा रहा है, जिसका कार्य पूरा हो चुका है। मार्च के पहले सप्ताह में नए एंट्रेंस गेट को भी खोल दिया जाएगा। 5 मार्च को पूर्व रेलवे की ओर से इसका शुभारंभ किया जाएगा। इसी दौरान रविवार को भागलपुर में नए प्रवेश द्वार और टिकट काउंटर का जायजा भी लिया गया। इसी दौरान कुछ बचे कार्यों को एक सप्ताह के अंदर पूरा करने की बात भी कही गई। नए प्रवेश गेट और 4 नए काउंटर बनने से शहर के दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले करीब 3 लाख की आबादी बड़ी राहत मिलने वाली है। इस क्षेत्र के यात्रियों को आने वाले दिनों में मुख्य टिकट काउंटर पर टिकट के लिए नहीं आना पड़ेगा, बल्कि 4 नए काउंटर से ही उन्हें टिकट मिल जाएगी। दरअसल टिकट काउंटर को बनाने की बात बहुत पहले से ही हो रही थी, लेकिन अब यह काम पूरा हो चुका है। तो फिर यहाँ के अब यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं अब मार्च से ही मिलनी हो जाएगी शुरू। इसके साथ ही सुल्तानगंज स्टेशन पर भी यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाना है। यहाँ पर भी रंगने का कार्य किया जा रहा है, जिसे समय पर पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है। जल्द ही इस पर भी काम हो जाएगा और नए वीडियो में आपको हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर दिखाने की कि आखिर कौन कौन सा अपडेट यहाँ पर किया गया है। तो इस वीडियो को करें शेयर। इसके साथ ही अगर लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।